फ्रेंड्स, ये है मूर्तियाँ इसमें, इसकी बाहरी दीवारों पर उकेरी गई हैं। आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी भव्य और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इस पर उकेरी गई हैं फ्रंट गेट्स पर। अरे एक मिनट, विशालकाय मूर्तियाँ इसके बाहरी भूखंडों पर उत्कीर्णित की गई। पूरा एक ही रोप को काट के बनाया गया टू स्टोरी टेम्पल है। चलो गजलक्ष्मी, जो उस वक्त के राजाओं की धन और संपदा का प्रदर्शन करता है। गजलक्ष्मी है ना, शानदार मनीष, शानदार है ना। ये अलग अलग कहानियों पर आधारित मूर्तिकारी यहाँ पर की गई है। और ये है हाथी की बड़ी मूर्ति। सीधा अनदर टेम्पल सीयर, तीन देवियों की मूर्तियां हैं यहाँ पर। ये जो चट्टान से लावा वगैरह निकला है, उस वाले पत्थर में इसको कार्व किया गया है। इसमें आप इसको देख सकते हैं, ये लावा की चट्टान है मनीष, पत्थर मिक्स है ना, इसमें डाल देना। और यह है कैलाश स्तंभ, कैलाश मंदिर का स्तंभ। अब देखिए वहां पर भी अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। इस पूरे कैलाश मंदिर में पहले पेंटिंग की गई थी, लेकिन समय और प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया है। तो और एक्सप्लोर करते हैं हम। ये हाथी और मूर्तियाँ काफ़ी बनाई हुई है। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं। लाइट की वजह से कुछ डार्क और कुछ इजीली विजिबल है। जियोलॉजिस्ट इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य करते हैं कि इतने बड़े जो स्ट्रक्चर को बनाया गया, तो इसके बाद जो यहाँ से मलबा निकला वो कहाँ है, उसका भी यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं मिल पाया है। और ये गलियारा जो बनाया गया है मुख्य मंदिर के आसपास कॉलोनेट में,
ये मुख्य मंदिर है जिसके आसपास हाथी और शेरों की प्रतिमाएं लगाई हुई है और काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियां उकेरी हुई है। कैलाश टेम्पल हर मूर्ति एक कथा को प्रदर्शित करती है। संभवतः उमा महेश्वर नंदी उमा महेश्वर व्यक्ति इसको ऊपर उठाए हुए संभवतः भगवान विष्णु। प्रत्यंचा चढ़ाते हुए संभवतः श्री राम ये देखिए कैलाश टेम्पल को पीछे से कितने हाथी बना रखे हैं। तो इस मंदिर का निर्माण अनेक वर्षों तक अनेक पीढ़ियों तक चलता रहा, उससे ये भव्य निर्मित मंदिर का निर्माण हुआ है। ये देवता प्रकट होते हुए हाथ जोड़ते हुए और जी ये रॉक्स है उसमें वाइट वाइट जो ग्रेन्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, उसका अलग ही प्रभाव इन मूर्तियों पर दिखाई देता है। यहाँ पर इन देवताओं का नाम अलंकृत नहीं किया गया है, अगर बेटर होता अगर यहाँ पर नाम इनका लिखा जाता और कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस और द पॉजेस। ये देखिए शिव का तांडव नृत्य, हाथ पकड़े हुए अर्धनारीश्वर ये अलग अलग विष्णु के अवतार हैं जो यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। ये हिरण्यकश्यप वध का किया नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसको मारा जा रहा है।
और ये भगवान विष्णु की शेषशायी मूर्ति यहाँ पर है, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का अवतरण हो रहा है। तलवार धारण किए हुए और एक झंडा ऊपर उठाए हुए बड़ा अवतार पृथ्वी को धारण किए हुए समुद्र से बचाते हुए हम इस कैलाश मंदिर के बाहर की तरफ की मूर्तिकला को कैमरे में कैद करते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग वी विल रिकॉर्ड इट। ये रिनोवेशन के द्वारा सपोर्ट लगाए हुए हैं। विशाल कैलाश स्तंभ सात वृक्ष के पीछे से और ये दोनों साइड हाथी बनाए हुए थे जो खंडित हो गए हैं अभी, और ये विशाल कैलाश स्तंभ है। हम वहां से देखते हैं इनको। ये मिथुन रथ मूर्तियां हैं यहाँ पर, इसमें पेंटिंग्स भी की गई हैं। पेंटिंग जो ऊपर की गई है वो आप देख सकते हैं। कैलाश मंदिर है जो दो मंजिला है, इसका बाहर का फैकेट चेक करते हैं। देखिए विभिन्न एक्टिविटीज में रथ मनुष्यों की कलाकृति यहाँ उकेरी की गई है। हाथी है, शेर है, हाथी शेर और इमेजिनरी एनिमल्स, ऊपर तक पेंटिंग विद द स्कल्पचर, यू कैन सी द बोथ। हाथी युद्ध करते हुए ऊपर पेंटिंग्स भी जो बाकी रह गई हैं वो देख सकते हैं आप।
आसपास का कॉलोनेट है जो पूरा बनाया हुआ है, और ये छत देखिए इनकी काफ़ी भव्य प्रतीत होती है। ऊपर से नीचे तक एक साथ काटा गया है इसको, भव्य कैलाश मंदिर। और इस तरफ के जो कॉलोनेट हैं इनके नीचे वाला जो बेसमेंट है उसमें भी मूर्तियां बनाई गई है। ऊपर तक देख सकते कितनी विशाल का चट्टान है, उसको उस समय में ढूंढना कि ये पूरी एक साथ साबुत चट्टान है और फिर उसमें कलाकारी करना कितना टेक्नोलॉजी वाला काम रहा होगा। मनीष कुमार शर्मा वहाँ पर, हाय हेलो, ही इज वेविंग टू अस। देखिए कितना विशाल का ये मंदिर है। इमेजिनरी एनिमल्स भी इसमें दिखाए गए हैं, हाथी और शेर की लड़ाई भी इसमें मूर्तियों के द्वारा दिखाई गई है। ऊपर तक चित्र मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया है, देख सकते हैं वहां तक। लोगों द्वारा सेल्फी ली जा रही है। और इस तरफ भी ये अलग अलग लोक कथाओं में प्रचलित मूर्तियों का एपिसोड्स फ्रॉम महाभारत, इसमें महाभारत की मूर्तियों का अंकन किया गया है। इट इज रिटन युद्ध के दृश्य। हाँ और हम यहाँ देखते हैं और इसके साथ ही हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, बाय।